रिसेंटली ही पीएम मोदी की गवर्नमेंट को पावर में आए नौ साल हो गए इन नौ सालों में इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या अचीवमेंट रहे इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे हे गाइस वेलकम टू केयर माइंड तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन इंडिया इनमें से किस ग्रुप का मेम्बर नहीं है ए ब्रिक्स पी जी सी एस या फिर डी जी सेवन सेक्शन में आंसर कीजिए और इसका सही आंसर मिलूंगा वीडियो के एंड में और right, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमी की मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ जी एस टी इंप्लीमेंटेशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया जुलाई 2017 को जी एस इंप्लीमेंट होते ही इंडियन इकोनॉमी में एक नया फेज शुरू हो गया एंड सिंस इस एप्लीकेशन टैक्स पे बेस नियरली डबल हो गया है जी कलेक्शन भी हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है बिजनेस करना भी काफ़ी ईजी हो गया है और इंटर स्टेट बैरियर भी रिमूव हो गए हैं तो जो आप स्टेट बॉर्डर्स के बीच में पहले ट्रक्स की लाइन देखा करते थे वो भी बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो गई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नाइन्टीन एटीज में उस टाइम के पीएम राजीव गांधी कहते थे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रुपया भेजती है तो गरीब लोगों तक केवल पंद्रह पैसे पहुंचता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने इसे चेंज कर दिया है अब जैम ट्रिनिटी के द्वारा लोगों को डायरेक्टली वेलफेयर बेनिफिट्स अपने जनधन अकाउंट में मिलते हैं इससे लीकेजेस और डिले कम हुए हैं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है करप्शन में भी कमी हुई है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडियन मासेस का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है जिससे एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का मार्केट साइज भी बढ़ा है मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम का एम है इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना टू तो ए मैनुफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी अराउंड दो इस प्रोग्राम को पी स्कीम का एक बूस्टर डोज लगा ये पी स्कीम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज़ करती है और मेक इन इंडिया के कई एडवांटेजेस हुए जैसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुए एमएसएमई इकोसिस्टम भी स्ट्रॉग हुआ अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है कि नहीं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्पल ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने में कितना खर्चा आता है अगर आपके पास अच्छी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है और आपके एक्सपोर्ट भी कॉम्पिटेटिव नहीं रहते नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है अभी करंटली इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट अराउंड थर्टीन परसेंट ऑफ तो द जी है एज कंपेयर टू एट इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ये लॉजिस्टिक पॉलिसी अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई तो ये इंडिया के ट्रेड को रेवोलूशनाइज़ कर देगी अब इकोनॉमी के बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2014 में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.7 परसेंट ऑफ द जीडीपी होता था बट 2023 में ये बढ़ के थ्री परसेंट ऑफ द जीडीपी हो गया है रोड्स आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे इंक्रीज हुई है फ्रॉम 12 किलोमीटर पर डे इन फाइनेंशियल ईयर दो टू ट्वेंटी किलोमीटर पर डे इन फाइनेंशियल ईयर दो अभी करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री में बीस से ज्यादा एक्सप्रेस बना रही है एयरपोर्ट्स नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स नियरली डबल हो गए इन द लास्ट नाइन ईयर्स कई छोटे शहरों को पहली बार बड़े शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिली है विच इज़ हेल्पिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोटिंग टूरिज्म एज वेल रेलवेज 2014 तक इंडियन रेलवे का बजट 45,000 करोड़ के आसपास था जो कि अब 2023 में बढ़ के टू पॉइंट करोड़ हो गया है डी अगर आपने रेलवे में ट्रैवल किया होगा तो आप ये नोटिस किया होगा कि कई बार ट्रेन बहुत डिले हो जाती हैं इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि हमारे देश में गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पे चलती हैं और जिसकी वजह से काफी कंजेशन और डिलेज होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक कर रही है जिसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी करंटली इसके दो पार्ट इन कंस्ट्रक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि तेरह किलोमीटर लंबा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंद्रह किलोमीटर लंबा है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अपना ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए और फॉसिल फ्यूल में डिपेंडेंसी कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज़ के मैसिव नेटवर्क को बहुत ही फास्ट पेस में इलेक्ट्रीफाई कर रही है जहां एक तरफ 1947 से 2014 तक 21,413 किलोमीटर के रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया था वहीं पिछले 9 सालों के अंदर सैंतीस किलोमीटर के रूट को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है वंदे भारत ट्रेन नाइनटीन में शताब्दी एक्सप्रेस के लॉन्च होते ही इंडियन रेलवेज में एक रेवोल्यूशन आ गया था और उसके बाद नियरली फोर्टी ईयर्स से इंडियन रेलवेज में कोई नई एडवांस ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं हुई ये चालीस साल लंबा इंतजार खत्म हुआ फरवरी 2019 में जब पीएम मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की जो कि इंडिया में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुई थी वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड वन किलोमीटर पर आ रहा है इसमें कई फैसिलिटीज़ दी गई हैं जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हाई एक्सलेन डिफरेंटली एबल पैसेंजर फ्रेंडली सीसीटीवी टी बायो टॉयलेट्स लो नॉइस लेवल और इसी के साथ इंडिया दुनिया का नाइन्थ देश बन गया जो कि हाई स्पीड ट्रेन को मैन्युफैक्चर कर सकता है रेलवे स्टेशन मेकओवर इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 1200 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है अब आते हैं पोर्ट्स पे एज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्रीज होगा उस ट्रेड को हैंडल करने के लिए हमारे पोर्ट्स के कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा जिसे मोदी गवर्नमेंट ने नियरली डबल कर दिया है फ्रॉम फोर्टीन मिलियन टन्स इन ट्वेंटी टू अबाउट थ्री थाउजेंड मिलियन टन इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेट्रोज रैपिड अर्बनाइजेशन से कंजेशन और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स में काफी इंक्रीज हुआ है इनको काउंटर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पिछले नौ सालों में मेट्रो सिस्टम्स में काफी इन्वेस्ट किया है जहां दो हजार चौदह तक इंडिया में केवल पांच सिटीज में मेट्रोज अवेलेबल थी विद द नेटवर्क ऑफ टू ट्वेंटी नाइन किलोमीटर वहीं पर अब दो हजार तेईस में इंडिया की बीस सिटीज में मेट्रो आ गई है विद टोटल नेटवर्क ऑफ एट सिक्सटी किलोमीटर इंटरनेट फाइनेंशियल इंक्लूजन और सब लोगों तक गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिट पहुंचाने में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 2014 तक इंडिया में केवल 6 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे जो 2023 में अब बढ़ के एट्टी करोड़ हो गए हैं अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बैगुन होती है उसकी एजुकेटेड और स्किल्ड पॉपुलेशन मोदी गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अपग्रेडेशन किए हैं चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर नए इंस्टीट्यूट्स को बनाना हो इन द लास्ट नाइन ईयर्स मोदी गवर्नमेंट ने पंद्रह नए एम्स सात नए आई आई सात नए आई और तीन सौ नब्बे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन काफ़ी बढ़ गए हैं कल्चर चाहे ब्रिटिश शरा के कॉलोनियल साइंस को हटाना हो या फिर भारत के मंदिरों का रिडेवलपमेंट करना पी मोदी के ये नौ साल भारतीय कल्चर के रिवाइवल के लिए जाने जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलोनियल साइंस को हटाने की ही बात करें तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं जैसे भारत का नया पार्लियामेंट पुराना पार्लियामेंट ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था जब वो भारत पर रूल किया करते थे बट नया पार्लियामेंट नए भारत को रिप्रेजेंट करता है जहां एक और लोकसभा भारत के नेशनल बर्ड मोर की थीम पर बनाई गई है और वहीं राज्यसभा भारत के नेशनल फ्लावर कमल की थीम पर बनाया गया है राजपथ जहां छब्बीस जनवरी की परेड होती है इसी के पास राष्ट्रपति भवन भारत की संसद और वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज हैं तो बेसिकली ये भारत का पावर सेंटर है बट आपने कभी ये सोचा है इसका नाम राजपथ क्यों पड़ा तो बात है 1911 की जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तब किंग जॉर्ज फिफ्ट दिल्ली दरबार में आए थे तो उनके ऑनर में इसका नाम राजपथ कर दिया गया था बट अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो मोदी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है बजट कुछ टाइम पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को फरवरी के लास्ट दिन में अनाउंस करती थी और रेलवे का बजट भी यूनियन बजट से सेपरेट अनाउंस होता था बट मोदी गवर्नमेंट ने इन कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को भी एंड कर दिया है इसके अलावा अगर हम मंदिरों के रीडेवलपमेंट की बात करें तो चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी गवर्नमेंट का फोकस इन सदियों पुराने मंदिरों के रीडेवलपमेंट में रहा है जिससे वहाँ का टूरिज्म भी बढ़ा है और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी पीएम मोदी के ही टेंड में बन रहा है जो कि पिछले 500 साल से एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू बना हुआ था तो इन कंक्लूजन इस वीडियो में हमने मोदी गवर्नमेंट के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड देखा इन फोर डिफरेंट सेक्टर्स अगर आप चाहते हैं कि हम और भी डिफरेंट सेक्टर्स को कवर करें तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं और वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे इंडिया इनमें से किस ग्रुप का मेंबर नहीं है ए ब्रिक्स बी जी ट्वेंटी सी एस या फिर डी जी सेवन तो राइट आंसर इज जी सेवन अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग